नमस्कार दोस्तों, अर्लीट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खुशखबरी बताने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, वित्त मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी घोषणा की गई है। कई सारे पॉइंट पर बात करेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। बहुत बड़ी घोषणा किया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, एक तो ये हो गई। दूसरी बात पर बात करेंगे दोस्तों, मोरेटोरियम 3.0 से रिलेटेड अपडेट, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। साथ ही साथ भारत सरकार ने मंजूरी भी दे दी है, इन सभी पॉइंट पर बात करेंगे। और देश भर में खुशियों का लहर दौड़ गया है। यदि आपका सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर लोन है या किसी भी तरह का लोन है, क्रेडिट कार्ड है, तो ध्यान से देखेगा इस वीडियो में, बहुत बड़ी बात, बड़ी खुशखबरी वाली बात है। साथ ही साथ यदि सिक्योर क्रेडिट कार्ड भी है, एफडी वगैरह पर लेके रखा है, तो भी आप देखिए, किसी भी तरह का लोन लोन वगैरह है, क्रेडिट कार्ड है, सभी लोग देख लो और वीडियो को शेयर कर लेना। साथ ही साथ भारत सरकार ने पैसा कमाने का भी मौका दिया है। भारत सरकार की घोषणा देख के आज बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। वीडियो को देखने के बाद पूरा शेयर कर लेना। दिल पर हाथ रख के कसम खा के बोलना, जो आज अर्लीवुड ने जो हमेशा से बताता आया, बिल्कुल सही बात बताता आया है। और आज भी जो बात हम बता रहे हैं आपको, बोल बिल्कुल खुशी वाली बात बताएंगे। 100% मॉरेटोरियम मिलेगा। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय से रिलेटेड अपडेट, बहुत बड़ी ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खुशखबरी। जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो आप लोग यहां से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके यहां पर आपको ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा इस तरह से। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों लोन मॉरेटोरियम को लेके, लोन मॉरेटोरियम को लेके बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा क्या घोषणा किया गया और क्या क्या मंजूरी मिली है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ खुशखबरी आप सभी लोगों को मिलने जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर पछताएंगे, फिर बाद में मत बोलना कोई भी चीज़, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, ये है RBI की ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले देखो दोस्तों, आप हम सभी लोग देश में रहते हैं, अपने प्यारे देश इंडिया में रहते हैं। यहां पर दो बात आती है, एक बात आती है बैंकों का, यानी बैंक NBFC लोन वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट करती है। दूसरी बात आती है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, और ये जो है एक दूसरे के द्वारा क्या होता है, समझ रहे हो बात को, एक दूसरे से रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में यहां पर देखो, जो ये क्या है, RBI की ऑफिशियल वेबसाइट है। RBI ने क्या कहा है, जो RBI ने कहा, जो हम मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग लेने जा रहे हैं 2 जून 2021 से लेकर 4 जून 2021 तक। और आपको मालूम है, जब भी कभी भी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है, तो जब लास्ट डे होता है मीटिंग का, उस दिन बहुत बड़ी घोषणा करता है RBI, यानी 4 जून 2021 को RBI घोषणा करेगी। और उसमें ये हो सकता है, जो फिच जो रेटिंग एजेंसी है, या इसके अलावा और जितनी भी रेटिंग एजेंसी है, उन सभी रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट को कंसिडर करते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री या RBI कुछ ऐसी राहत वाली घोषणा कर दे, जिससे कि आप सभी लोगों को COVID-19 रेगुलेटरी पैकेज 3.0 मिल सकता है, यदि फिच की रेटिंग को कंसिडर कर दिया, फिच रेटिंग की जो रिपोर्ट है उसको कंसिडर कर दिया गया है। तो अब यहां पर कोई व्यक्ति यह सोच के मत यहां से स्किप कर लेना, जो अब कहानी ही खत्म, अभी इनसे भी बहुत बड़ी बड़ी कहानी इस वीडियो में आगे तक चलेगी, जो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला, सिर्फ यहीं पर मिलेगा, ठीक है। अब यानी यहां पर खुशखबरी मिल गई। अब देखो दूसरी जो खुशखबरी आ रही है, कल जो हमने बताया था उनसे आगे की बात करते हैं। कल तो देखा था ओला उबर वाले ने डिमांड किया था, लेकिन अब देखो, अब जो डिमांड आ रही है, देखो बिजनेस स्टैंडर्ड का रिपोर्ट है। बिजनेस स्टैंडर्ड क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए ऑल इंडिया मोटर, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर AIMTC भी ब्लैंकेट लोन मॉरेटोरियम का डिमांड किया है, और ये मांग रहा है 31 अगस्त 2021 तक। वो मांग रहा था सितंबर तक, ये मांग रहा है 31 अगस्त तक। अब इसका कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो कुछ ना कुछ तो राहत आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो ये जो ऑल इंडिया मोटर, ये देखिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, यानी ये जो संगठन है ट्रांसपोर्टर का, ये भी मांग रहे हैं, जो हमें ब्लैंकेट मॉरेटोरियम दे दीजिए और कम से कम दीजिए 31 अगस्त तक। इन सभी चीज़ों पर RBI जरूर गौर करेगी। साथ ही साथ NPA पर भी देखिए, NPA पर भी राहत की डिमांड की गई है, और NPA पर राहत ऐसे डिमांड की गई है क्योंकि आपको मालूम है, यदि डिफॉल्ट होता है तो बैंक NBFC पहले ही क्या करती है, उसका जो मोटर व्हीकल है, यानी 2-व्हीलर 4-व्हीलर, यानी जितने भी उसका, तो 4-व्हीलर मोटर ट्रांसपोर्टर लोगों का, तो 4-व्हीलर 8-व्हीलर 10-व्हीलर जो जितने भी व्हीलर हो, ठीक है, सभी लोग यहाँ पर देखिए बस ट्रक मैक्सी कैब टूरिस्ट ये सारा चीज़ सीज कर लेती है बैंक, तो इन पर भी रोक लगाने की डिमांड किया गया है AIMTC के द्वारा। ये भी अपने आप में एक मॉरेटोरियम वालों के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और मॉरेटोरियम आप सभी लोगों को मिलने की संभावना बढ़ गई है। वो वाली मॉरेटोरियम ब्लैंकेट मॉरेटोरियम या और
और जो थोड़ी बहुत कंडीशन के साथ मिल रहा है, आरबीआई की जो रीस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी है जो 5/5/2021 को घोषणा करी थी आरबीआई ने, इसके तहत तो आपको 2 ईयर्स का मॉरेटोरियम भी मिलता है, रीस्ट्रक्चरिंग भी मिलता है, लेकिन लोग इनसे ज़्यादा खुश नहीं है, तो इसीलिए लोग ब्लैंकेट मॉरेटोरियम मांग रहे हैं, हम सभी लोग मांग रहे हैं, आप सभी लोगों के। चलिए यहाँ तक भी काम खत्म हो गई ये वाली, अभी भी यहाँ से यदि छोड़ के हिल डोल करोगे तो अभी आगे पछताओगे, क्योंकि अभी जो हम बात बताने जा रहे हैं वो बहुत बड़ी खुशखबरी बताने जा रहे हैं। अब बताएंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो देश भर में खुशी का लहर दौड़ा दी है ये वाली बात करेंगे, बहुत बड़ी घोषणा की है और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, और मंजूरी भी मिल गया है। क्या क्या मंजूरी मिला है अब ये देखिए। अब जिसका सिक्योर लोन वाला है, जो भी व्यक्ति सिक्का सिक्योर लोन है, सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लीगल वार्निंग लीगल डिस्क्लेमर दिया रहता है, आप सभी लोग लीगल वार्निंग लीगल डिस्क्लेमर पढ़िए और वीडियो फिर आगे देखना चाहें तो आगे देख सकते हैं, लीगल वार्निंग देखने के बाद। अभी तो आपको आगे देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए लीगल वार्निंग लीगल डिस्क्लेमर हमारे सभी वीडियोज में दिया रहता है, वीडियो देखिए और मस्त आनंद लीजिए, वीडियो शेयर वगैरह करते रहिए, टेंशन फ्री रहो। अर्लीवुड पर एक बार आ जाने के बाद दूसरी दुनिया में जाने का नाम ही नहीं लोगे, क्योंकि अर्लीवुड आपको जो चाहिए सब मिलता है यहीं पर और कहीं नहीं मिलता। ठीक है, कहने का मतलब यह है दोस्तों, अब जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं ये देखिए आपका दिल खुश होने की 100% गारंटी है। अब भारत सरकार की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है दोस्तों, जो सबसे पहले रिपोर्ट देख लीजिए, जो लोग नए लोग हैं वो लोगों के लिए हम रिपोर्ट खोल देते हैं यहां पर, जो फिच रेटिंग एजेंसी है उन्होंने क्या कुछ कहा है। फिच ने कहा है देखिए जी, आरबीआई क्या कर सकता है, जो आरबीआई में इंट्रोड्यूस एडिशनल मेजर्स या तो ब्लैंकेट लोन मॉरेटोरियम के रूप में कर सकता है या क्रेडिट गारंटी स्कीम के रूप में आरबीआई कोई एक एडिशनल मेजर ला सकती है लोन वालों के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई वो वाली बात, जो लोग रिपोर्ट नहीं देखे हैं ये फिच की हमने रिपोर्ट बता दी। अब देखिए दूसरी बात जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की है वो वाली बात देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बहुत बड़ी घोषणा करी है, ये देखिए ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का। अब यहाँ आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, यहाँ पर भारत सरकार ने मंजूरी क्या दी है, देखो सबसे पहले देख लीजिए भारत सरकार ने क्या मंजूरी दी है। आप लोगों को मालूम है लोन में बोले तो सिक्योर्ड लोन, दूसरा आता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में आ गया मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपकी होती है, जिसको गिरवी रख के जिस पर आप लोन लेते हैं। यदि आपका सिक्योर्ड लोन है तो सिक्योर्ड लोन के केस में आपको मालूम है आपका केस जो है चाहे अनचाहे डीआरटी में या डीआरएटी में जाता है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल, ये क्या है एक तरह का कोर्ट है, समझ के बात को। अब भारत सरकार ने कहा है देखो जी, जब से हमने 1 मार्च 2020 से लेके 31 मार्च 2020 से लेके अभी तक बोले तो आज 13 मई 2021 है, यानी इस बीच में जो केसों का अंबार है, अंबार मतलब ढेर लग गया है कोर्टों में। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अब इन सब चीज़ों से छुटकारा लेने के लिए लोगों ने मॉरेटोरियम लिया, मॉरेटोरियम एक्सटेंशन भी लिया और रीस्ट्रक्चरिंग भी लिया, रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 पर भी काम चलिए। लेकिन इस बीच में यदि किसी का प्रॉपर्टी यदि सीज होता है, बैंक उसको अटैच करती है, फिर उसको सेल करने का ऑप्शन वगैरह लगाती है, इसी बीच में यदि आपका केस चला गया डीआरटी में, ठीक है डीआरटी में, तो वो प्रॉपर्टी पर क्या होती है, जब तक केस चलेगा जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक तो उसको बैंक कुछ कर नहीं सकता। तो अब वहां पर जब डीआरटी में और डीआरएटी में यदि वहां पर जो रजिस्ट्रार है या वहाँ पर जो मैन पावर है, इनका यदि वहाँ पर कमी पड़ जाए, शॉर्टफॉल हो जाए वहाँ पर, तो दिक्कत होगी ना, वहाँ उसको फैसला आने में लेट हो जाएगा। तो भारत सरकार ने इन सभी सिचुएशन को देखते हुए क्या करी है, भारत सरकार ने बोला जो देखो जी, अब कोई भी लेट वेट नहीं होगा, अब जो है आपका फैसला निपटारा जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है DFS की भारत सरकार के अंदर, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, तो भारत सरकार ने कहा जो यहां पर देखिए हम वैकेंसी निकाल रहे हैं जी, वैकेंसी क्या निकाल रहे हैं, यहां पर देखिए वैकेंसी फॉर रिकवरी ऑफिसर और रजिस्ट्रार के लिए डीआरटी में और डीआरएटी में निकाला है। यहां पर मैक्सिमम जो सैलरी है, इनको तनख्वाह है लगभग 2 लाख रुपए समथिंग के आसपास है मैक्सिमम, यानी आप एक साल में 24 लाख 25 लाख के आसपास आप अर्निंग कर सकते हैं यहां से यदि आपको अप्लाई करते हैं। ये देखिए भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसको अप्लाई करने का जो ये देखो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एक रिकवरी ऑफिसर के लिए कब है, 30 जून 2021 है और ये इशू हुआ 27 अप्रैल 2021 को। और एक और है जो रजिस्ट्रार के लिए, उसके लिए एप्लीकेशन का डेट है दोस्तों, जो ये भी हम बता देते हैं ताकि आप सभी लोग, इनसे क्या होगा जो यदि लोन मोर्टम से रिलेटेड केस आपका डीआरटी डीआरएटी में जाता है तो आप उसके लिए
ये कर सकते। देखो यहाँ पर देखेगा ये किस पोस्ट के लिए है, इसका एप्लीकेशन का डेट है 30 जून, ये है रिकवरी ऑफिसर के लिए, समझ के बात को, रिकवरी ऑफिसर के लिए, रिकवरी ऑफिसर समझ के बात को। यहाँ पर भी देखिए 2,08,700 रुपये है मैक्सिमम, यहाँ 67,700 है यहाँ, समझ के बात को, इतना पर मंथ आपको मिल जाएगा। ये होगी रिकवरी ऑफिसर के लिए। अब बात करते हैं रजिस्ट्रार के लिए, रजिस्ट्रार के लिए कितनी है, रजिस्ट्रार के लिए एप्लीकेशन का डेट है दोस्तों ये 7 जून 2021 है, और इसमें भी आपको पे लेवल जो है, पे स्केल जो है ये इतना ही है, समझ के बात को। ये भारत सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो हम आपको बता रहे हैं, और आप इनको भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ से आप ये जानकारी ले सकते हैं, देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और इनसे क्या होगा, जो यदि आपका लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड या रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड सिक्योर लोन वाला जो केस है DRT में या DRAT में जाता है, तो SPD प्रोसेस होगा वहां पर, और जल्दी से जल्दी आपको निपटारा मिल जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब इसका भी हम न्यूज़ आपको दिखाई देते हैं ताकि आपको, क्योंकि बिना प्रूफ का तो हम कोई बात करते नहीं है, समझ के बात को। तो अब यहां पर देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का हम आपको एक न्यूज़ दिखा रहे हैं जो अभी हमने आपको बताया। तो ये भी अपने आप में एक दोस्तों बहुत बड़ी कदम है भारत सरकार के द्वारा। ये देखिए गूगल पर भी मैंने करके दिखा दिया भारत सरकार की, जो यहाँ देखिए 24 लाख रुपए सालाना आपको मिल सकता है, और ये सब चीज़ें यही भारत सरकार ने, देखिए वित्त मंत्रालय में दिस नौकरी मौका और यही सब देख लो। अब ये चीज़ क्यों निकला, यही चीज़ है लोन मोरेटोरियम, मोरेटोरियम एक्सटेंशन से रिलेटेड इतने सारे केसेस जो सिक्योर लोन वाले हैं DRT DRAT में जाने लगा, तो अब भारत सरकार को ये वैकेंसी निकालनी पड़ी। सारे चीज़ अब जब समझोगे तो एक लाइन में समझोगे, भारत सरकार की ये घोषणा, भारत सरकार ने ये जो वैकेंसी है इसको फिल करने के लिए, भरने के लिए मंजूरी दे दी है, समझ गए बात को। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, राहत वाली कदम है। इस कदम के लिए भारत सरकार का, वित्त मंत्रालय का बहुत बहुत शुक्रिया, लोगों को काफी राहत मिलेगा इनसे, लोगों को केस निपटारा होने में आसानी होगी। इसी के साथ वीडियो करते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। लोन मोरेटोरियम एक्सटेंशन से रिलेटेड अपडेट के लिए यहीं पर और कहीं नहीं, और आप सभी लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, और RBI भी बहुत बड़ी घोषणा करने जा रही है। थैंक यू दोस्तों।